कर मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद शहर के बीचों बीच स्थित गोपाल आश्रम बाईपास रोड पर संदिग्ध परिस्थिति में सीसीटीवी कैमरे का डीपीआर हुआ गायब। प्रसिद्ध विशाल भूखंड में स्थापित मंदिर प्रांगण में हुई चोरी से हर कोई हतप्रत। न ताले टूटे न गेट, आखिर कहां से चोरों ने किया मंदिर परिसर में प्रवेश। चोरी बनी आश्चर्यजनक। शाम के समय शयन आरती करने के बाद मंदिर के पट कर दिए गए थे बंद। सुबह करीब 4:30 बजे मंदिर के महंत पुजारी जब मंदिर पहुंचे और ताला खोला तो देखा मंदिर परिसर में लगी सीसीटीवी कैमरे की डिस्प्ले बंद पड़ी है और पास में ही तार खुले हुए पड़े हैं और डीवीआर गायब है। मंदिर के पुजारी ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। महंत ने बताया पूर्व में भी चोरों ने मंदिर परिसर के दान पात्र से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आज हुई घटना के बाद श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। फिलहाल थाना उत्तर में तहरीर दे दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रिपोर्ट ऋषि पंडित। फिरोजाबाद का बड़ा प्रमुख मंदिर है श्री गोपाल आश्रम। मैं इसका महंत हूँ। मेरा नाम राघवाचार्य है। यहाँ पे आए दिन चोरी होती रहती है। हम लोग मंदिर सुबह 11:30 बजे पट बंद हो जाते हैं और हम 11:30 बजे बाद चले जाते हैं। शाम को 4:30 बजे पट पुनः खुलते हैं। तो 4:30 बजे से जब हम आएंगे तो अक्सर ऐसे मिलता है कि मंदिर में ताले कोई नहीं खुले मिलते, लेकिन कोई पैसे रह गए तो नहीं मिलेंगे। दान पात्र खुले मिलते हैं, दान पात्रों से पैसे निकल जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4-5 दान पात्र चेंज हैं। तो ये भी करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी चोरी होती रही। अभी पिछले 15-20 दिन में कई बार मंदिर में अंदर से पैसे निकल गए, क्योंकि अब बार बार तो ले आना पाना ऐसे नहीं होता कि चलो आज दिन में छोड़ जाते हैं, अब शाम को देखेंगे। तो मंदिर के अंदर से पैसे निकल जाते हैं, ताले सब बंद मिलेंगे। कमेटी ने निर्णय लिया है सबके बाद में कि 15 तारीख को यहाँ पर पूरे मंदिर में सीसीटीवी कैमरे फिट करा दिए। सीसीटीवी कैमरे 15 तारीख को लगे हैं और कल 21 तारीख को रात में हम 8 बजे शयन आरती का पट बंद करके गए हैं और पुनः सुबह 4:30 बजे जब आए हैं तो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर ही चोरी हो गया। ताले सब जैसे लगे थे वैसे लगे ही मिले हैं। थाने में अभी तहरीर दे दी है मैंने। सुबह 112 नंबर पर 5 बजे कॉल कर दिया था आने के बाद, तब भी पुलिस आई थी और उन्होंने लिखा पढ़ी करके ले गए। तहरीर देने के लिए बोला, मैं अभी उत्तर थाने में तहरीर दे आया हूँ। SHO साहब से मिलके भी आया हूँ, उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है कि जांच कराई जाएगी। बंदे तो बहुत बड़ा है, यहाँ कोई चौकीदार वगैरह कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, कोई चौकीदार नहीं आते। आज से दो साल पहले भी एक वारदात हुई थी, चोरी हुई थी यहाँ पे। तब रात में वो लोग साइड वाले जो गेट है उससे आए थे और बाहर के कैमरों के द्वारा पुलिस ने जानकारी करके उनको पकड़ा भी था, संदिग्धों को। उनसे माल भी कुछ बरामद हुआ जो दान पात्रों से चोरी हुआ। मंदिर के अंदर से भी 5-10 हज़ार रुपये निकल गए थे, तो वो भी पकड़े गए। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी के यहाँ कोई किसी प्रकार की अभी व्यवस्था नहीं है।